आप अगर इंडिया से या किसी भी कंट्री से आप किसी भी वर्कर को बुला रहे हैं तो क्या उसकी सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए? कम से कम 100 BD सैलरी फिक्स होना चाहिए। दोस्तों, बहरीन से एक बहुत दुख भरा खबर है लेबर्स के लिए। खबर यह है कि सैलरी के मामले में बहरीन आज की डेट में सबसे पीछे हो गया है। वहाँ पे आज भी 60 BD 65 BD हेल्पर को मिलता है, 8 घंटा बेसिक ड्यूटी, खाना कंपनी का होता है। महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, लेकिन बहरीन गवर्नमेंट ना सैलरी बढ़ा रही है और ना ही खाने की फैसिलिटी दे रही है, क्योंकि बहरीन में 80% कंपनियाँ जो हैं खाना प्रोवाइड नहीं करती है, खाना को खुद बनाना होता है। तो बहरीन में हम जा रहे हैं, सैलरी हमारी बढ़ नहीं रही है और ऊपर से वीज़ा नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, कैसे काम चलेगा? बहरीन गवर्नमेंट थोड़ा तो सोचे कि जो इंडिया से वर्कर जा रहे हैं उनका क्या होगा, क्या इसी सैलरी पे वो आज भी काम करेंगे? जो सैलरी आज से 9 साल पहले थी, 8 साल पहले थी, क्या वही सैलरी आज भी रहेगी? 8 साल में महंगाई का दर कितना ऊपर हो गया है, क्या हम उसी सैलरी पे आज भी काम करेंगे? थोड़ा सा आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप अगर इंडिया से या किसी भी कंट्री से आप किसी भी वर्कर को बुला रहे हैं तो क्या उसकी सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए? कम से कम 100 BD सैलरी फिक्स होना चाहिए। 100 BD सैलरी फिक्स रहेगा तब जाके कुछ मेरे भाई उसमें बचा पाएंगे, और खाना कंपनी की तरफ से होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले मैंने एक भाइयों से पूछा था कि कौन सा बढ़िया होता है, कंपनी का खाना अच्छा होता है या फिर अपने हाथ से बनाने का। तो उसमें 2-3 भाइयों ने बहुत अच्छा कमेंट किया था कि सर, अगर ओवर टाइम की बात है तो कंपनी का खाना अच्छा है, हालांकि वहाँ पे हम अच्छा खाएंगे तभी तो काम कर पाएंगे। तो खाना तो अपने हाथ का ही अच्छा होता है, लेकिन कंपनी की तरफ से मिलता है तो ये है कि हम लोग ओवर टाइम थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि खाना बनाने का समय मिल नहीं पाता है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये खैर प्रॉब्लम अलग है, लेकिन मेन जो मुद्दा है वो है सैलरी का। और बहरीन एक ऐसा देश आज की डेट में बन गया है जहाँ पे सैलरी बहुत कम है, और 5-7 साल 8 साल पहले जो सैलरी मिलती थी वही सैलरी आज भी मिल रही है। आज भी कारीगर का जो सैलरी है 80 BD है, 85 BD है, इससे ज़्यादा नहीं है। ऐसी सेम ओमान का भी यही हाल है, हर कंट्री का लगभग लगभग यही हाल है। सैलरी के मामले में कंट्री जो है गल्फ कंट्री 3 दिन पीछे होती जा रही है। जो सैलरी हमारा 10 साल पहले था वही सैलरी आज भी है। इसके ऊपर कब सोचा जाएगा और कौन सोचेगा? मैं कितना वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर, आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि जो मेरे भाई इस वक्त बहरीन में हैं कितना बचा के घर भेज देते हैं और किस काम में गए हैं और इस वक्त आपकी कितनी सैलरी है, ज़रूर कमेंट करें।